10 दिनों तक चलने वाले साइबर क्राइम प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा द्वारा बुधवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस के सभागार में किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर एमपी सिंह एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा रेंज साइबर थाने के समस्त कर्मी, साइबर सेल के समस्त कर्मी, ट्रेनिंग कर रही महिला रिक्रूट आर्ची व शाखा प्रभारी व पुलिस कार्यालय गोरखपुर के 150 कर्मियों तथा जनपद के थानों के 325 कर्मचारियों ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया। यह कार्यशाला 10 दिन की होगी, जिनमें जनपद गोरखपुर की तरफ से पुलिसकर्मी प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने कहा, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप पूरी प्रॉपर अटेंडेंस के साथ, ये हमारा जो एक घंटे का सेशन है, आपको टाइम टेबल दिया जा चुका है, आप जरूर जरूर इसको, और खूब सवाल भी पूछिएगा, Q&A आपके लिए खुला रहेगा, उसमें आप अपने सवाल पूछेंगे। तो इसी के साथ मैं वंस अगेन आई थैंक डीजीपी सर, एडीजी एलओ सर, पुलिस मुख्यालय में से डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार ये वर्कशॉप शुरू करवाया गया है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और हमारे जो आरक्षी उपनिरीक्षक और अधिकारीगण हैं, उनको कैसे साइबर सिक्योरिटी और मजबूत की जाए, किस प्रकार साइबर अपराधों को रोका जाए और किस प्रकार उनका अनावरण किया जाए, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। ये प्रतिदिन 1.5 घंटा प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें कि हमारे जनपद के कुल 450 पुलिसकर्मी प्रतिभाग करेंगे और ये पुलिस लाइन के साथ साथ थानों पर भी प्रसारित किया जाएगा, जहां पर तमाम कंप्यूटर के ज्ञाता, हमारे आरक्षीगण, हमारे उपनिरीक्षक, हमारे थाना प्रभारी इसको देखेंगे और इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा और विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।